नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टॉक इन्वेस्टिंग में स्वागत है। एक कहावत है दोस्तों कि देर से ही सही लेकिन दुरुस्त आए, तो ये इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड पे बिल्कुल फिट बैठती है। क्योंकि आप देखें दोस्तों कि जब ये कंपनी लिस्टेड हुई थी 29 जनवरी 2021 को, तो बिल्कुल ही सपाट लेवल पर यह कारोबार कर रही थी, ना तो ऊपर मूवमेंट कर रही थी ना तो नीचे। उसके बाद इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 में 150% का रिटर्न दिया, साथ में अब ये कंपनी 70 पैसे का डिविडेंड देने की घोषणा किया है। तो रिकॉर्ड डेट और भुगतान की तिथि नोट करना ना भूलें। साथ में दोस्तों कुछ ऐसे भी निवेशक होंगे जो इस कंपनियों में निवेश करने के लिए सोच रहे हैं, तो उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी किस प्रकार से अपना कारोबार करती है, इसका फंडामेंटल कैसा है और मिनिमम हमें कितना निवेश करना चाहिए। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, पूरा डिटेल्स के साथ बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल को अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। दोस्तों आप लोगों का काफ़ी सारा कमेंट पढ़ने को मिल रहा था कि सर आप इतना लॉन्ग में वीडियो क्यों बनाते हैं किसी भी शेयरों पर। तो दरअसल दोस्तों इसमें मेहनत का पैसा निवेश कर रहे हैं, तो हमारा काम है कि बेहतर शेयर को बेहतर तरीके से बताना और आप देख सकें कि कंपनी का वाकई में फंडामेंटल अच्छा है या फिर गलत। आपको झूठ सच बोल के ऊपर के स्क्रीनशॉट दिखा देने से कंपनी का फंडामेंटल ठीक नहीं हो जाता, उससे आप प्रॉफिट नहीं कमाओगे। हाँ, हो सकता है 100 में जो है ना 5 बार आपको प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन ऐसा 95 बार प्रॉफिट नहीं मिलेगा। और जो तरीका हम बताते हैं आपको ताकि आपको खुश भी संतुष्ट हो कि जो कंपनी के बारे में बता रहे हैं वाकई में इसका फंडामेंटल अच्छा है, तो आप आंख बंद करके भी आप उस पर भरोसा कर सकते हैं और लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं। आइए सबसे पहले न्यूज पे फोकस करते हैं। तो गुड रिटर्न के वेबसाइट के अनुसार यहाँ पर साफ शब्दों में कहा गया है कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिन्होंने 15 सितंबर 2023 को रिकॉर्ड डेट निर्धारित की गई है और यहां से एक महीने के भीतर उन्हें डिविडेंड का रुपये डायरेक्ट अकाउंट में आएंगे। कितना मिलेगा? तो यह कंपनी 70 पैसा का डिविडेंड देने की घोषणा किया है। इसके पहले इन्होंने 80 पैसा पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दी है, यानी कि देखा जाए तो कुल मिलाकर फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 में इन्होंने 1.50 रुपये का डिविडेंड दे चुकी है, जो कि अगर देखा जाए तो डिविडेंड यील्ड लगभग 2 से 2.5% हो रहा है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IRFC लिमिटेड के अगर हम चार्ट की बात करें तो दोस्तों आज 0.42% की गिरावट के साथ 47.65 रुपये पे मार्केट बंद हुआ है। पिछले 5 दिनों में इन्होंने 3% की गिरावट दर्ज की है, तो पिछले एक महीने में अपने निवेशकों को 35% का रिटर्न दिया है। और आप देखें दोस्तों तो यह शेयर अब भी स्मूथली धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही है। हालांकि पिछले एक महीने में इन्होंने जो ऑल टाइम हाई बनाया है वो 51.25 रुपये का, और इस हाई से देखा जाए तो लगभग 7% की गिरावटें पे आपको मिल रही है। पिछले 6 महीने के रिकॉर्ड के अनुसार इन्होंने 71% का रिटर्न दिया है, और एक साल में देखें तो इन्होंने 126% का रिटर्न दिया है। अब सोचो अगर कोई निवेशक 21.25 रुपये पे खरीदारी किया होता तो उन्हें सीधे तौर पे इस भाव से लगभग 125-26% का रिटर्न मिल रहा होगा, और जिन्होंने मैक्सिमम चार्ट के अनुसार इस गिरावट पे खरीदा होगा 19.75 रुपये, 80 पैसा या 95 पैसे पे, तो उन्हें सीधे तौर पे दोस्तों 150% का लाभ मिल रहा होगा। इसलिए दोस्तों हमने शुरुआती में कहा था कि देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, क्योंकि यहाँ पर देखें यह शेयर लिस्टेड होने के बाद अपने निवेशकों को बहुत ही पैनिक किया है। बहुत सारे ऐसे होंगे कि भाई इससे बेहतर हमें कहीं और रिटर्न मिलेगा तो हम वहाँ पर निवेश करेंगे, लेकिन इन कंपनियों में जो हमने खरीदारी करने की राय दी थी कि बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं, इसमें पैसा निवेश करने का मतलब है कि आप 100% सुरक्षित हैं, कहीं भी आपका नहीं जाने वाला है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों 100% आपको अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देगी। अगर औसतन देखा जाए तो अब भी इन्होंने पिछले 2-2.5 सालों में अगर देखा जाए तो 60% का रिटर्न इन्होंने दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों इस कंपनी से जुड़े कारोबार के बारे में। तो साल 1996-86 ईस्वी में गठन की गई थी
इंडियन रेलवे के विकास और उत्थान के लिए, यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट पहुंचाने के लिए। इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि आज के रेट में अगर रेलवे को 1000 करोड़ की ज़रूरत पड़ेगा तो ये क्या करेंगे, अब इनके पास है नहीं तो वो क्या करेंगे भाई, IRFC लिमिटेड के पास आएंगे कि हमें फंड का प्रोवाइड करो। तो IRFC लिमिटेड के पास नहीं रहते हैं, जरूरी नहीं कि इनके पास 1000 करोड़ हो ही, तब ये क्या करेगी, ये सामने वाले के पास जाएंगे, निम्नतम ब्याज दरों पे वो पैसे को उठाएंगे, 3%, 2%, 1% पे जो भी रहेगा बॉन्ड उस आधार पे। अब ये जब रेलवे को देने की बात करेगी तो उच्च ब्याज दरों पे देगी, यानी कि अपना कमीशन रखकर, तो 4%, 3% ये 2% पे दे सकती है, और इन दोनों के बीच में जो मार्जिन होगी ये कंपनी की प्रॉफिट होगी। साथ में इंडियन रेलवे के अधीन काम कर रहे हैं उन कंपनियों को भी फाइनेंशियल सपोर्ट पहुंचाती है, जैसे इरकोन, RBNL जैसे कंपनियों को भी। अभी हाल ही में दोस्तों आपने सुना होगा कि वंदे भारत को अन्य कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दी गई है, 125 वंदे भारत या फिर 150 वंदे भारत ट्रेनों को लेकर। अब उसके लिए जो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी IRFC लिमिटेड देगी। साथ में कोई प्रोजेक्ट है जो एक जगह से दूसरे जगह को जोड़ेंगे तो उनके लिए भी जो फाइनेंशियल सपोर्ट होगा ये कंपनी ही करेगी। तो मुख्य रूप से यही कंपनी का कारोबार है जो आने वाले समय में और भी डिमांड में रहने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों हम आप रहे या ना रहे लेकिन रेलवे दिन प्रतिदिन और विकास करेगी, और विकास करने के लिए इस कंपनी का सबसे ज़्यादा भरपूर सहयोग मिलेगा। मार्केट कैप के हिसाब से 62,441 करोड़ की कंपनी है जो एक लार्ज कैप की बन चुकी है। अब भी प्राइस अर्निंग रेशियो देखें तो 10 पे ट्रेड कर रही है, जो कि सस्ते वैल्यूएशन पे ये शेयर मिल रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 5.23% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 14.7% का है, जो कि बहुत अच्छे की बात है। बुक वैल्यू 36 रुपया पे ट्रेड कर रही है। आपको याद होगा दोस्तों जब पिछले टाइम हम वीडियो बना रहे थे तो उस समय 33 रुपया पे भाव ट्रेड कर रही थी, और हमने आपसे कहा था कि अब भी अगर कोई व्यक्ति शॉर्ट टाइम में प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो बेहिचक IRFC लिमिटेड में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि अब भी देखें इसका बुक वैल्यू लगभग 36 रुपया पे ट्रेड कर रही है। तो जब भी आप देखोगे करेंट प्राइस के अपेक्षा बुक वैल्यू ज़्यादा पे ट्रेड कर रही है तो वहाँ एक संभावना होती है शॉर्ट टाइम में भी अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने की। पिछले एक सालों में IRFC लिमिटेड ने 52.70 रुपये का हाई, लो 20.60 रुपये का। डिविडेंड यील्ड प्रेजेंट में 1.68% का है, फेस वैल्यू 10 है। भविष्य में आपको स्टॉक स्प्लिट लाभ मिल सकता है। अब आप सोचोगे कौन सी ऐसी PUC कंपनी है जो इतना बोनस या फिर स्टॉक स्प्लिट दे रही हो, तो भाई एक कंपनी नहीं कई सारी कंपनियां हैं। आप देखोगे इरकॉन और कनकोर, भेल, तो और भी कंपनियां हैं जो रेगुलर तौर पर अपने निवेशकों को बोनस और डिविडेंड देती आ रही है और स्टॉक स्प्लिट भी हो चुकी है। पेशेवर पर अगर नज़र रखें तो कंपनी है डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 25.3% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर, यानी कि पिछले 5 वर्षों में 25.3% CAGR के हिसाब से ग्रोथ किया है ये कंपनी। कंपनी जो भी लाभ कमाती है उसका 30.7% हिस्सा डिविडेंड के रूप में अपने निवेशकों को बांट देती है। और आप देखोगे दोस्तों जितने भी PUC स्टॉक है ना सबसे ज़्यादा डिविडेंड देने वाली ही होती है, क्योंकि उसमें भारत सरकार की हिस्सेदारियाँ ज़्यादा होती है। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, आपके पास कितने होंगे, 1000 शेयर, 2000 शेयर, लेकिन अगर भारत सरकार 1 रुपया डिविडेंड भी देती है तो उनके पास 51%, जो कि लगभग 27-28 करोड़ शेयरों की संख्या होती है, तो 1 रुपया की दर से भी देगा तो उन्हें सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा, ना कि आपको। अब एक नज़र इस कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट को आप देखें दोस्तों, तो एक भी क्वार्टर रिजल्ट ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा जिसमें कि आपको सेल्स पहले क्वार्टर की अपेक्षा कम हो। अभी आप फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 को देख लें तो बढ़ते क्रम में देखने को मिलेगा, और फाइनेंशियल ईयर 24 के क्वार्टर वन में यह कंपनी 6,679 करोड़ का सेल किया, और इस बीच में जो कंपनी का प्रॉफिट रहा वो 1,557 करोड़ का। तो कंपनी जिस हिसाब से सेल कर रही है उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट भी कर रही है। अब यहाँ पर पूरे साल की डाटा को अगर हम देखें
तो फाइनेंशियल ईयर 23 के एंड में ये कंपनी 23,892 करोड़ का सेल किया था, 22 में 20,299 करोड़ का और 21 में 15,771 करोड़ का। आने वाले 24 के एंड में एक उम्मीद है कि ये इस बार 24,944 करोड़ के सेल करेंगे और इस बीच में जो कंपनी का प्रॉफिट रहा है वो 23 के एंड में 6,337 करोड़, 22 में 6,090 करोड़ और 21 में 4,416 करोड़। अब आइए दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो यहाँ पर प्रमोटर के पास 86.37% की हिस्सेदारी है और पब्लिक के पास 10% है, DI वाला के पास 2% है, FI वाले के पास 1% है। यानी कि हिस्सेदारियाँ सबसे ज़्यादा प्रमोटरों के पास है। आपने हाल ही में एक न्यूज़ सुना होगा दोस्तों कि RFC लिमिटेड OFS यानी कि ऑफर ऑफ सेल के माध्यम से शेयर बेचने जा रही है, जिनके कारण से भी गिरावटें आई इन शेयरों में। खैर सेबी के नियम के अनुसार अगर आप प्रमोटर हैं तो अगले 3 साल के अंदर आपके पास 75% तक की हिस्सेदारियाँ होनी चाहिए। तो आने वाले समय में 11% की होल्डिंग तोड़ने जा रही है, तो अगर उन स्थिति में गिरावट हो तो आपको और भी शेयरें ऐड करना है। फिलहाल दोस्तों जो नए निवेशक हैं उनको मिनिमम अपने पोर्टफोलियो में 500 शेयर खरीदारी करना है, आज खरीदें या 2 महीने के बाद खरीदें, लेकिन अपने मिनिमम 500 शेयर रखना है। और अगर वहाँ से थोड़ी सी गिरावट हो तो उन स्थिति में आपको हर एक मंथ आपको 100 शेयर को खरीदारी करते रहना है। मिनिमम 1,000 शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखिएगा। अगले 10 से 12 साल में ये 1,000 शेयर जिसका कि लागत लगभग आज के रेट में 47,000 है वो 4,70,000 में बदल सकता है। फिर भी दोस्तों खरीदारी करने से पहले आपको खुद से रिसर्च जरूर करना चाहिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।